लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अपनी कपट माया से राम को सीता से दूर हटा ले जाओ। परंतु महाराज, मृगो भव, जाओ। मधुर मधुर मंद पवन झूमती भवन फूलों के संग करते रंग रेलिया भवन फूलों के संग करते रंग रेलिया धरती ने पहने रंगीन चुनरिया डाल डाल कुंज कुंज बोल कोयलिया आई बसंतर तो आई खिली कलियों की माला बनाऊंगी मैं खिली कलियों की माला बनाऊंगी मैं अपने स्वामी के चरणों चढ़ाऊंगी मैं आज जंगल में मंगल बनाऊंगी मैं आज जंगल में मंगल बनाऊंगी मैं भोले 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 अयोध्या के राज नगरिया डाल डाल कुंज कुंज भोल कोयलिया आई बसंत ऋतु आई मैं
से बुलाऊं तुझे ओ रे मैना, ओ रे मैना, मैं क्या क्या सिखाऊं तुझे, राम राम सीता राम। आदि हिरणी सहेली बनाऊं तुझे, आदि हिरणी सहेली बनाऊं तुझे, घूम घूम देख रही किनकी डगरिया, डाल डाल कुंज कुंज बोले कोयलिया, आई बसंत ऋतु आई, डाल डाल कुंज कुंज बोले कोयलिया, आई बसंत ऋतु आई। सीते, देखिए, देखा आपने वो हिरण? कांचन मृग कितना सुंदर है। उसकी सुनहरी मृगशाला में तुम्हारा अंग अंग निखर उठेगा। तो ला दीजिए ना। लक्ष्मण, देखते हो वो सोने का मृग? हाँ प्रभु। देवी सीता की प्रसन्नता के लिए मैं उसे मारकर मृग चर्म देने जाता हूं, तब तक तुम इनकी रक्षा करना। सारा वन राक्षसों से भरा पड़ा है, सावधान, कहीं किसी राक्षसी माया से देवी को कष्ट न हो। जो आज्ञा, मैं यहीं रहूंगा। में बल पड़ जाने से ही संसार में प्रलय हो जाता है, उस पर संकट कैसे आ सकता है देवी? ऐसी करोड़ पुकार नहीं, भैया राम की नहीं है। उनकी आवाज तक नहीं पहचान सकते, तुम ना पहचानो, पर मैं अपने राम का स्वर तो क्या उन्हें छूकर आने वाले पवन को भी पहचान सकती हूँ। सीते, मरीच, बंद करो ये खेल। नहीं नहीं श्री राम, लंकेश की आज्ञा है, मैं वचन दे चुका हूँ। लक्ष्मण, सीते, चंचल ना हो देवी, इस प्रांत में राक्षसी माया की कमी नहीं। हाँ, मुझे भी ऐसा मालूम होता है कि यहाँ राक्षसों की कमी नहीं है, माया भी राक्षस, तुम्हारे मन में पाप जगा है, इसीलिए तुम उनकी दुख भरी पुकार सुनकर भी
सहायता के लिए जाना नहीं चाहते हो? और कोई होता तो? सारे संसार के पूज्य श्री रामचंद्र की अर्धांगी के विचार एक सामान्य स्त्री जैसे ओछे होंगे, ये मैंने स्वप्न में भी न सोचा था। और मैं स्वप्न में भी तुम्हारा ढोंग न समझी। कैसी है तुम्हारी राम भक्ति ये मैं आज जान गई हूँ। केके के साथ मिलकर उनके प्राण लेकर मुझे पाना चाहते हो? तुम्हारी आशा पूरी ना होने दूंगी देवर जी, इसके पहले ही प्राण दे दूंगी। माता, आपके बोल हृदय में गर्म बर्छी की तरह छिद रहे हैं, इसीलिए पिता समान राम की आज्ञा टालकर जाता हूं। इस रेखा के भीतर आने की शक्ति किसी में भी नहीं, भगवान आपकी रक्षा करें। धन्यवाद भगवान, आपके हाथों मरकर मुक्त हो गया हूं। आशीर्वाद दीजिए श्री राम। महाराज थोड़ा आगे बढ़कर दो। महात्मन, आगे आने की मुझे आज्ञा नहीं है। बांधी भीख न लेऊं से आनी, हम बंधी भिक्षा नहीं लेते देवी। कल्याण हो, हम जाते हैं। खैरिये, आर्य गृहस्थ और उस पर भी रघुकुल तिलक, श्री रामचंद्र के द्वार से याचक चला जाए, ये कैसे हो सकता है? बाबा ने कह दिया बंधी भीख न लूंगा। महात्मन, आपने मुझे धर्म संकट में डाल दिया। जाने दो देवी। बोम बोम बोले। ठहरो, रघुकुल धर्म के लिए जीवन दे सकता है, भिक्षा लेते जाओ साधु। तुम साधु क्यों अपने बेस को ले जाते हो? लंकापति रावण, बहन सूर्पनखा के अपमान का बदला लेने आया हूँ। संसार की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी सीता अब वन देवी नहीं, लंका की पटरानी बनकर रहेगी। हाँ।
सीते। लक्ष्मण, पुकार ले अपने त्राता राम को। सीते, लक्ष्मण, सीते, नीच पापी, जानता नहीं श्री राम के बल को। बल को रावण के कोष में जीत है, हार नहीं। जिसने अपने दशों मस्तकों को अपने ही हाथों काटकर भगवान शंकर को चढ़ा दिए, जिसने अपने कंधों पर कैलाश पर्वत उठा लिया, उसके बल की तुलना। लक्ष्मण, देवी जानकी कहाँ है? कुटी में। कुटी में तो नहीं? नहीं है। तब कहीं कोई राक्षस। लक्ष्मण, मेरी आज्ञा थी ना कि उन्हें छोड़कर कहीं ना जाना। मेरा दोष नहीं है भैया, माता की आज्ञा से मैं आपको खोजने गया था। मुझे खोजने गए थे और देवी सीता को खो बैठे। लक्ष्मण, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता। वनवास मिला, पिताजी चल बसे, देवी सीता भी गई, अब मेरे लिए संसार में क्या बचा है? भैया, आपके समान धीर और ज्ञानी पुरुष को धीरज बढ़ाते मुझे लज्जा होती है। संसार के आदि पुरुष भी मामूली मनुष्यों की तरह विलाप करने लगेंगे तो दूसरों का क्या हाल होगा? लक्ष्मण, क्षमा करना, काल के बस होकर मैं तुम्हें दोष दे रही थी। राम, राम, लता, तुम ही बताओ, कनक लता सीता को तुमने तो नहीं छुपा रखा है? गिरिवर, तुम ही बता दो, जनक कुमारी देवी जानकी कहाँ है? वनराज, वनराज, तुम भी मेरी तरह अकेले हो, तुम तो मेरे दुख को जानते होगे, पर नहीं, तुम सुखी हो, तुम्हारा संसार सुखी है, मेरा उजड़ा हुआ सूना। खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम बिन सुना जीवन मेरा, तुम बिन सुना जीवन मेरा, कहाँ गई सीते, सीते कहाँ गई सीते, सीते तुम बिन सुना जीवन मेरा।
फूलों को डाली डाली को फूलों को डाली डाली को सारे बन की हरियाली को मैं व्यथा सुना कर हार गया मैं व्यथा सुना कर हार गया मेरे सुख का संसार गया जीवन का सारा सार गया मेरे सुख का संसार गया जीवन का सारा सार गया पल भर में दुख गया बसेरा पल भर में लुट गया बसेरा कहाँ गई सीते कहाँ गई सीते तुम बिन सुना जीवन मेरा बन बन भटकत फिरत राम अब कैसे तन में रहे प्राण ओ सीता सीता देखते हो लक्ष्मण ये देखो करण फूल इसे तो तुम पहचानते हो नहीं भैया और ये पायल माता के चरणों की सेवा करते करते इस पायल को तो मैं पहचानता हूँ पर हमेशा पांव पर दृष्टि रहने से कर्ण फूल कभी नहीं देखा अवश्य ही जानकी यही कहीं होंगी लेकिन ये लहू की धार कहीं किसी जंगली जानवर ने दिया जगत माता जानकी को भला कोई हानि पहुंचा सकता वो देखिए घोड़े मरे पड़े हैं रथ के टुकड़े अवश्य यहां कोई युद्ध हुआ है गिद्धराज जटायु किसने की तुम्हारी ये दशा दुष्ट रावण ने उस देवी जानकी को आकाश मार्ग से ले जा रहा था मैं बहुत लड़ा पर इस पूरी देह से कुछ ना हो सका भगवान आपके दर्शन के लिए ये प्राण रोके हुए थे अहो भाग्य मधुर राम का नाम जग में मधुर राम का नाम मधुर राम का नाम जग में मधुर राम का नाम भज राम 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 जग में राम 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 जग में मधुर राम का नाम ज्ञान न जानू ध्यान न जानू नाम एक ही मैं पहचानू ज्ञान न जानू ध्यान न जान नाम एक ही मैं पहचानू अगम अपार सिंधु में नैया अगम अपार सिंधु में नैया राम नाम अभिराम राम नाम अभिराम जग में मधुर राम का नाम भज राम 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 जग में राम 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 जग में मधुर राम का नाम राम नाम कहते रहो जब तक तन में प्राण कब हूँ दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान
जोत तुम्हारी जल में थल में, झलक तुम्हारी नभ मंडल में, आओ 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 शब्द खुलाओ, आओ आओ शब्द खुलाओ, आओ है सुख धाम, आओ है सुख धाम, जग में मधुर राम का नाम, भज राम 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 जग में, राम 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 जग में, मधुर राम का नाम, मधुर राम का नाम जग में, मधुर राम का नाम। असावधान पाकर पीछे से वार करने वाले सामने आ। अब उसमें सामना करने की सामर्थ्य नहीं है भैया, वो पड़ी है उसकी लोथ। क्षत्रियों के वेश में सांवले और गोरे तेजमान बनबन भटकने वाले आप दोनों कौन हैं? महाराजा दशरथ के सुपुत्र ये हैं श्री राम और मैं इनका छोटा भाई लक्ष्मण। अहो भाग्य, पिता की आज्ञा मानकर 14 वर्ष का वनवास बिता रहे हैं। हमारे साथ देवी जानकी भी थीं, पर दुष्ट रावण उन्हें हर ले गया है। उन्हीं को खोजते खोजते हम लोग बनबन भटक रहे हैं। और आप? प्रभु, मैं हूं वानर सम्राट सुग्रीव का प्रधानमंत्री हनुमान। हनुमान? भगवान, ब्रह्मा के श्राप से मैं कबंद नामक राक्षस हो गया था। वैसे मैं गंधर्व हूँ, मेरा नाम विश्ववसु है। आज आपके कारण मेरी मुक्ति हुई, धन्यवाद। भगवान,
वानर राज सुग्रीव बाली के डर से ऋषिमुख पर्वत पर रहते हैं। बाली ने उन धान सब कुछ यहाँ तक कि उनकी स्त्री भी छीन ली है। आप और वो दोनों ही समान दुख से दुखी हैं। चलिए उनसे मित्रता कीजिए। मुझे विश्वास है कि वे देवी सीता को खोजने में आपकी सहायता अवश्य करेंगे। मुझे प्रसन्नता होगी। आइए मेरे कंधों पर बैठ जाइए। वो देखो हनुमान जी। महाराज सुग्रीव आज का दिन बड़ा ही शुभ है। बरसों से जिनकी बाट देख रहे थे उन्होंने आज दर्शन दिए हैं। ये हैं अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ के सुपुत्र श्री रामचंद्र। आइए इनसे मित्रता कीजिए। आपका मित्र पाकर मैं धन्य हुआ श्री राम। मुझे अपना सेवक जानिए। आओ मित्र। साथी होता है तो दुख बट जाता है, पर देवी सीता का दुख उसे कौन हल्का करेगा। पिताजी विजयी होकर आ गए। चलिए माताजी। वीर विजय सम्राट। सम्राट जी विजयी हो युवराज। कहां है अपने शौर्य के मद में चूर श्री राम। जरा बंदी भेष में दर्शन देकर हमें धनी करें। शूर सम्राट लक्ष्मण यूं मुंह छुपाने से काम नहीं चलेगा। शूर पंखा शूरपनखा दो अपने अपराधी को डन। ले लो अपने नाक कान का बदला। कौन कौन राम और स्त्री के भेष में। ये तो पुरानी रीति इन क्षत्रियों की। ब्राह्मणों से रक्षा का अच्छा उपाय है। स्त्री का वेश लिया कि प्राण बच गए। राम नहीं है अक्षय कुमार, उनकी भी बारी आएगी पर देर से। अभी तो है राम की अर्धांगनी चंद्रमुखी सीता। अब से राक्षस कहे जाने वाले रावण के रणवास की शोभा बढ़ाएंगी।
आज रणवास में चंद्रमा का प्रकाश होगा। लंकेश की आज्ञा है, प्रतिहारी ले जाओ, सजाओ इन्हें, ऐसा सजाओ कि देखने से ही मन में सार्थ जाग उठे। क्या कह रहे हैं सम्राट? पर स्त्री का हरण करके आप उसे रनिवास में रखेंगे? प्रतिहारी ले जाओ, आज से ये मेरी मुख्य दासी हुई। ठहरो, इन्हें दूधों नहलाओ, सुंदर आभूषणों से सजाओ, रंग महल को फूलों से भर दो, लंका में उत्सव मनाया जाए। आज से सीता लंका की पटरानी होंगी। पटरानी? पटरानी मंदोदरी रहेगी सम्राट। मूर्ख स्त्री, सीता सी सुंदरी छोड़कर रावण की पटरानी बनने योग्य संसार में है कौन? भगवान, इन शब्दों को सुनकर जो पाप मैंने किया है उसे क्षमा करना राम प्रभु। एक बात पूछती हूँ सम्राट, कौन सी नीति से आप एक प्राय स्त्री को उठा लाए और फिर बलपूर्वक उसे अपनाना चाहते हैं? तुम मूर्ख हो मंदोदरी, नहीं तो ये प्रश्न न करती। और ये कौन सा न्याय हुआ कि पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर इधर उधर आंखें डालता फिरे? तुम स्त्री हो, स्त्री बनकर रहो। स्त्री नहीं, पटरानी, सम्राटी, ये नहीं होगा। सीता निवास में नहीं जाएगी। जाएगी और अवश्य जाएगी। अगर सीता ना चाहे? न चाहे, उसे चाहना ही पड़ेगा। रावण चाहता है, मेरी इच्छा पर सूर्य उदय अस्त होता है, चंद्रमा पवन इंद्र रावण की आज्ञा पर चलते हैं। इतना गर्व अच्छा नहीं सम्राट, एक ना एक दिन ये मान टूट जाएगा। याद नहीं नलकुवर, नलकुवर की स्त्री जिसे आप पटरानी बनाने चले थे? याद नहीं नलकुवर का श्राप? श्राप? किसी स्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध समागम करेगा तो शरीर के 60 टुकड़े हो जाएंगे। 60 टुकड़े, 60 टुकड़े। सात टुकड़े, सात टुकड़े। ले जाओ सुंदर नागन को मेरी आंखों के सामने से, इसे अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखो। उस वक्त तक इसे कष्ट देते रहो जब तक इसके मुंह से हाय हाय के बदले हाँ हाँ निकलने लगे। ले जाओ। राम, झूठा वचन देकर मेरी हत्या कराना चाहते थे। मैं तो जानता ही था बाली को जीतना असंभव है। तुम और बाली एक से दिखाई देते हो, इसीलिए मैं उसे मार न सका। लो, इसे पहन लो। निराश न हो, अब मैं तुम्हें पहचान सकूंगा। जाओ, एक बार उसे फिर से नलकारो। जाओ मित्री। जाने से क्या होगा श्री राम, बाली नहीं मारेगा, उसे वरदान है। फिर मेरी हार होगी और इस बार भगवान श्री रामचंद्र पर भरोसा रखिए महाराज, उन्होंने आपको विजय माला पहनाई है, विजय आपकी अवश्य होगी। पर मुझे कैसे विश्वास हो, अभी अभी हार चुका हूं। श्री राम, परीक्षा दोगे? इन सात तार के पेड़ों को एक ही बार से काट दो तो मुझे विश्वास हो जाए। जय श्री राम, जय श्री राम। Thank you.
इतनी बार हरते हुए लड़ने के साथ पूरी नहीं हुई। ठहरिए नाग, मत जाइए। हारा हुआ शत्रु यूं नहीं ललकारता, इसमें कोई चाल अवश्य है। ठीक है, सातों तार के पेड़ भी टूटे पड़े हैं। मृत्यु, तेरी ललकार सुनने के बाद बाली नहीं रुक सकता, मुझे जाना ही होगा। तारा अपराध किया था जो मैं धोखे से मारा गया। बाली, छोटे भाई की स्त्री, बहन और पुत्र वधू, ये सब कन्या के समान होती। इन पर बुरी दृष्टि डालने वाले को अगर धोखे से भी मारा जाए तो पाप नहीं। प्रभु क्षमा, मेरी मृत्यु आपके हाथों हो रही है, फिर भी मैं पापी ही रहा। ये मेरा पुत्र अंगद है, इसकी बाह पकड़कर अपना सेवक कर लीजिए। राम राम। भगवान, बाली ने तो अपने कर्मों का फल पाया, पर बेचारी तारा का क्या अपराध था जो उसका पति उससे छीन लिया गया, हमेशा के लिए अपने पति से बिछुड़ गई। क्यों, पुरुष और स्त्री
ये दो अलग अलग व्यक्ति नहीं, पुरुष के आचरण से स्त्री के और स्त्री के कर्म से पुरुष के जीवन में उतार चढ़ाव होता। अगर ऐसा न हो तो प्रेम की परीक्षा कैसे हो? विरह न हो तो व्यथा कैसे मालूम हो? विरह, ये दुख तो मुझे भी है। सीते, सीते। यूं कब तक उपवास करती रहोगी देवी? तुम्हारा दुख मुझसे नहीं देखा जाता। लो, नहीं त्रिजटा, ले जाओ। प्रभु, राम प्रभु। कुलस्य कुलभूषण शूर शिरोमणि जगत विजयी महाराजाधिराज लंकेश। लिए प्रेम की भेंट के रूप में अपना हृदय लाया हूं सीते, स्वीकार करो। एक बात पूछती हूं रावण, अगर कोई तुम्हारी स्त्री को उठा ले जाए और उससे यही शब्द कहे जो तुम मुझसे कह रहे हो तो तुम्हें कैसा लगेगा? सीते, तर्क नहीं, मुझे उत्तर चाहिए। उत्तर दे चुकी हूँ। प्राण रहते रहते श्री रामचंद्र को छोड़कर स्वप्न में भी पर पुरुष का ध्यान नहीं करूंगी। इतना साफ उत्तर सुनकर भी नहीं समझते? पछताओगी सीते। रावण जैसे महान योद्धा के मन में तुम्हारी अभिलाषा जगे तो तुम्हें गौरव की बात समझना चाहिए। फिर से एक बार सोच लो। मेरे राम प्रभु, क्यों नहीं आज अपना रूप प्रकट करते हो? क्यों मुझ अभागिन की परीक्षा ले रहे हो? मुझे आकर ले क्यों नहीं जाते? ले क्यों नहीं जाते? रावण के प्रचंड बल के सामने यमराज भी सर झुका देता है और तुम दुहाई दे रही हो उस राम की जिसके पूर्वजों ने ब्राह्मण के क्रोध से बचने के लिए त्रिवेश में अपने प्राणों की रक्षा की थी। सीते, अब और कोई चारा नहीं है, तुम्हें मेरी बनकर रहना पड़ेगा। राम को भूल जाओ। भूल जाओ? कैसे भूल जाओ अपने स्वामी को? नहीं, उनके प्रेम की लगन में ही जीवन बिता दूंगी। चकोरी चंद्रमा से दूर होकर भी उसे नहीं भूल सकती। स्वामी आओ, तुम तो मेरी सांस सुनकर भी सोते से जाग उठते थे, आज इतनी करुण पुकार भी तुम्हें सुनाई नहीं देती। राम 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 राम, हर समय राम, हर सांस में राम, देखूंगा तेरे राम को। राम राम श्री राम श्री राम राम श्री राम श्री राम राम राम। ओ जग के बसाने वाले, ओ जग के बसाने वाले, मेरे मन की कुटिया बसाओ। ओ ज्योत जगाने वाले, मेरे मन का दीप जलाओ। ओ जग के बसाने वाले, मेरे मन की कुटिया बसाओ। राम राम भज राम राम भज राम राम। जब छोड़ी रतन नगरिया, जब छोड़ी रतन नगरिया, क्या भाएगी ये कुटिया? जब छोड़ी रतन नगरिया, क्या भाएगी ये कुटिया?
रवि शशि चमकाने वाले, रवि शशि चमकाने वाले, ये जुगनू भी चमकाओ, ओ जग के बसाने वाले, मेरे मन की कुटिया बसाओ। राम राम भज राम राम भज राम राम भज राम राम। ओ रूप सलोने श्यामल, तुम पवन तुम ही हो बादल, तुम पवन तुम ही हो बादल। ओ रूप सलोने श्यामल, तुम पवन तुम ही हो बादल, तुम पवन तुम ही हो बादल। सागर लहराने वाले, सागर लहराने वाले, मन गागर में आ जाओ, ओ जग के बसाने वाले, मेरे मन की कुटिया बसाओ। राम राम भज राम राम भज राम राम। तुम रहो मेरे नैनन में, तुम रहो मेरे नैनन में, मैं पड़ा रहूं चरणन में। तुम रहो मेरे नैनन में, मैं पड़ा रहूं चरणन में। माया फैलाने वाले, माया फैलाने वाले, माया से मुझे बचाओ, ओ जग के बसाने वाले, मेरे मन की कुटिया बसाओ। राम राम भज 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 राम। हनुमान, ये क्या कर रहे हो हनुमान? वर्षा के चार महीने प्रभु। पवन पुत्र, तुमने तो अपनी सेवा से सदा के लिए मुझे अपना बना लिया। अहो भाग्य, भगवान ने आज मुझे दास माना। राम भय जय दाहिने सबै दाहिने ताहि। आपकी कृपा से वानर राज सुग्रीव का राज्य वापस मिल गया। पंपापुरी में सुख और शांति छा गई। पाप का अंत करने के लिए और पुण्य का पक्ष लेने के लिए ही तो आपका अवतार हुआ है प्रभु। मुझे विश्वास है कि महाराजा सुग्रीव। Oh
निभाई तुमने, राज्य पाते ही श्री रामचंद्र को दिया हुआ वचन भूल गए, पर शायद ये ना भूले होगे, जो बाण बाली को मार सकता है वही तुम्हारे प्राण भी ले सकता है। तैयार हो जाओ मरने के लिए। क्षमा क्षमा कीजिए, मैं सुग्रीव की ओर से दया की भीख मांगता हूं। मैं कितना नीच हूं, किस मुंह से क्षमा मांगू। राज सिंहासन पर बैठते ही श्री राम को भूल गया।
चिंता और प्रायश्चित करने का समय नहीं है महाराज, आज्ञा कीजिए। हाँ हनुमान, भारतवर्ष की सारी बांदरी सेना को समाचार भेज दो कि सुग्रीव की आज्ञा है, श्री राम के कार्य के लिए सबको आना पड़ेगा, जो ना आए मेरे हाथों अपनी मौत निश्चित समझे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ जब तक माता सीता की खोज न लगा दूंगा किस किन्ना के राज सिंहासन पर पैर न रखूंगा। तुम बुद्धिमान हो हनुमान जी, ये कार्य तुम ही कर सकोगे। जो आज्ञा। माता सीता की खोज में बानरी सेना चारों दिशाओं में फैल गई है, जामवंत, नल, नील और अंगद के साथ हनुमान जी दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए प्रभु। जटायु ने कहा था कि रावण दक्षिण ही की ओर देवी जानकी को ले गया है, मुझे विश्वास है कि तुम उन्हें खोज निकालोगे। लो ये चिन्ह अपने पास रखो, इसे देखकर उन्हें विश्वास हो जाएगा कि तुम राम के पास से आए हो। जय श्री राम। ढूंढते ढूंढते यहां तक आ पहुंचे पर माता सीता का पता न चला। आगे सागर की अपार लहरें चली आ रही हैं, पृथ्वी का अंत आ गया है, अब बचा ही क्या है। हे लंका, यहां से 100 योजन समुद्र लांघ कर पर लांघेगा कौन, मैं तो बूढ़ा हो चला हूं, शरीर में पहले जैसा बल नहीं रहा, नहीं तो राम दुहाई है पार कर ही जाता। पार तो जा सकता हूँ जामवंत, पर वापस लौट सकूंगा या नहीं इसमें संदेह है। नील, मैं इस पार से उस पार तक पुल बना देता पर इसमें समय लगेगा, समय तो है नहीं। पर हनुमान जी क्यों चुप हैं? तुम क्यों चुप हो, तुम ही कुछ कर सकते हो, केवल तुम ही। माता अंजनी का दूध ले जाओगे हनुमान जी, भूल गए अपनी जन्म की कथा को। हिमाचल के ऊंचे शिखर पर तुम्हारे पिता को मुनियों ने वरदान दिया था और फिर पवन देव की कृपा से माता अंजनी की कोख में आकर पवन पुत्र कहलाए। महाबली पवन सुत, क्या तुम भूल गए अपनी पराक्रम को? एक दिन बचपन में ही उगते हुए सूर्य को लाल फल समझकर निकल गए थे, सारे संसार में अंधेरा छा गया, उस समय इंद्र का वज्र तुमने सहा। इतने बड़े पराक्रमी के सामने छोटे से समुद्र की क्या गिनती। राम 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 राम, जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी बल्लभ सीता राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी बल्लभ सीता राम। दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, भक्तों के रखवाले राम, जग के पालनहारे राम। दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, भक्तों के रखवाले राम, जग के पालनहारे राम। जय श्री राम जय जय श्री राम, 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 जय श्री राम जय जय श्री राम।
दुखियों के दुखहारी राम, मंगलमय सुखकारी राम, प्रभु कुल रावत बिहारी राम, दीनों के हितकारी राम, दुखियों के दुखहारी राम, मंगलमय सुखकारी राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम। तुझे मार कर लंका जाएगा तो उसे राम दूत समझना। राम दूत आए हो अवश्य ही श्री राम भी आएंगे, लंका का उद्धार होगा, जाओ सफल हो। जय श्री राम। राम रामे ति रामे ति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तातुल्यं राम नाम वरानने। राम श्री राम। तुम कौन हो भाई? मैं हूं श्री रामचंद्र का सेवक हनुमान। हनुमान? माता सीता को खोजते हुए यहां तक आ पहुंचा हूं, पर इस राक्षसों की नगरी में राम नाम लेने वाले आप कौन हैं? मैं हूं विभीषण, दुर्भाग्य से लंकापति रावण का भाई हूं। आप जैसे राम भक्त का दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। पर माता सीता कहां होंगी? रावण ने उन्हें अशोक वाटिका में बंदी बना रखा है। चलिए मेरे साथ चलिए। ये रही अशोक वाटिका, वो रही माता सीता। अच्छा अब मैं चला, आगे नहीं जा सकता। निर्भाए राम बिना।
कर देखो, तुम्हारे सौंदर्य से शर्माकर चंद्रमा भी अपना मुंह बादलों के पीछे छिपाए ले रहा है। इस सोने सी देह को व्यर्थ का कष्ट देकर क्यों सुखाए डाल रही हो? श्री राम, ऐसी बातें सुनने के पहले ही मेरे प्राण क्यों नहीं निकल जाते? मैंने कौन से ऐसे पाप किए थे कि तुमसे अलग होने पर भी तन में प्राण बचे हुए हैं? हीरा मोल जानने वालों के लिए ही चमकता है सीते। एक बार तो पलकें उठाकर अपने कमल नयन से मेरी ओर देखो, देखो कि रावण तुम्हारे लिए क्या नहीं कर सकता। इंद्र, कुबेर, पवन, शचिरथ सब तुम्हारे दास होंगे। लंका का राज। चुप रहो। कमलने सूरज के प्रकाश से ही खिलती है और लंका ही क्या, ये सारा संसार पानी के बुलबुले की तरह दो दिन का है। राम प्रभु के प्रेम के आगे सब तुच्छ है। संसार विजेता शूर सम्राट रावण की पटरानी होना कम गौरव की बात नहीं है सीते, सोच लो। तू शूर है, देख लिया तेरी वीरता को, धोखे से अकेला पाकर मुझे हर लाया। रावण, मैंने सुना था कि तू पंडित है, कुलीन है, पर तेरे कुकर्म। सीते, अपमान सहने की सामर्थ रावण में नहीं। रावण की सामर्थ कुछ भी नहीं है। सीता, मुझे श्राप ना होता तो देखता इतना कहने के लिए तू कैसे बची रहती है। ले ले मेरे प्राण, काट डाल मेरे शरीर को, बड़ी दया होगी। इस विरह व्यथा से तो छुटकारा मिलेगा, इन बुरे शब्दों को सुनने के लिए तो जीव बाकी नहीं रहेगा। नहीं, इस अपमान का बदला लेना है। एक महीने का समय और देता हूँ, लंका की पटरानी बनकर रहोगी या रावण की रखे। क्या आप भी मेरी सुधी ना लोगे? मुझे सदा के लिए बिसार दिया, बिसार दिया, फिर इन प्राणों का मोह क्यों? किसके लिए जीऊं? क्यों जीऊं? आकाश पर चमकने वाले अंगारों क्यों टूट टूट कर इधर उधर गिरते हो? मुझ पर टूट पाओ, मुझे भस्म कर दो। चंद्रमा, कहाँ गई तुम्हारी शीतलता? आज तुमने भी अग्नि भरी हुई है, फिर क्यों नहीं मुझे जला डालते सदा के लिए? अशोक, तुम तो लोगों का शोक हरते हो, इसी से तुम्हारा नाम अशोक है। तुम्हारे लाल लाल पत्ते अंगारे जैसे हैं। एक अंगारा मुझे भी दे दो कि मैं अपने को जला डालूं। Thank you.
होमी से भेंट होगी? अवश्य होगी। कौन है तुम? मैं हूँ श्री राम का सेवक हनुमान। उन्हीं की आज्ञा से आपकी खोज में निकला था। ये मुद्रिका प्रभु ने पहचान के लिए दी थी कि आपको विश्वास हो जाए। तुम उनके पास से आए हो? कहाँ है वो? बोलो, कहो ना, क्या संदेश भेजा है उन्होंने मेरे लिए? क्या बताऊं माता, आपके विरह में उन्होंने सारी सुध बुध खो दी है। दिन रात सीता सीता के सिवा दूसरा शब्द मुंह से नहीं निकलता। स्वामी, वानर राज सुग्रीव ने भगवान राम को सहायता का वचन दिया है। वो शीघ्र ही वानरी सेना समेत लंका आएंगे और आपको छुड़ा ले जाएंगे। पर कब? उनके आने तक क्या प्राण बचे रहेंगे? माता, आपका दुख नहीं देखा जाता। क्या कहूँ, आज्ञा नहीं है, नहीं तो श्री राम की कृपा से इतना बल है कि आपको इसी समय प्रभु के पास पहुंचा दूं। सच? असंभव बात क्यों सोचते हो? छोटे से बानर हो, रावण की राक्षसों का सामना करना तो बहुत बड़ी बात है। माता, आपका आशीर्वाद चाहिए। लंका के राक्षसों का तो मैं यूं नाश कर सकता हूँ। एक नगण्य बंदर क्या कर सकता है, ये रावण भी देख ले। जय श्री राम। कौन है ये अशोक वाटिका का नाश करने वाला? पकड़ लो उसे। अक्षय कुमार मारे गए? मारे गए। कहाँ है वो बंदर? वो भागा। ऐ श्रीराम, अक्षय कुमार। देखो ये बंदर भागने न पाए। जा। Ah!
मान तो रखना ही होगा। करो बड़ा ढीठ है। समाज के अनुकूल होना ही पड़ता है, जैसा देश वैसा भेष। मूर्ख राजसभा में राजसभा है, बंदरों का घर नहीं। महाराजा धीराज रावण की जय। इसका न्याय कीजिए, इसने अशोक को उजाड़ डाला। लंका नगरी और उसके योद्धाओं का बल जानते हुए भी इस बंदर ने राक्षसों का प्राण लेकर लंकेश का अपमान किया, यह अपने आप को समझता क्या है? बंद करो ये खेल। तुमने मेरे पुत्र अक्षय कुमार के प्राण लिए, अशोक वन उजाड़ डाला, राक्षसों को मार डाला, किस लिए, क्यों? जिसने मुझे मारा उसने मार खाई, कोई टूट गया, कोई मचल गया, और जो शक्तिहीन था वो मर गया। अब इसमें मेरा क्या दोष? तुमने जीव हत्या की है बंदर, तुम्हें अपने प्राणों का मोह नहीं रहा? सत्कार में प्राण चले जाए तो मोक्ष मिलता है लंकेश। श्री राम की सेवा में ये नश्वर देह काम आए तो अहो भाग्य। राम की सेवा में? कौन है तू, कहां से आया, क्यों आया? जानकर क्या करोगे? तेरा न्याय तो सुनो। देखो तो इस बंदर का घमंड महाराजा धीराज लंकेश के सिंहासन से भी ऊंचा जा बैठा। तुम क्या करोगे मेरा न्याय? मैं हूं हनुमान, सबका न्याय करने वाले आदि पुरुष श्री रामचंद्र का दूत हूं। माता सीता की खोज में यहां आया था। ओ, तो राम ना आ सका, उसके बदले तू आया है। उस भिखारी का गुप्तचर बनकर ये और भी भयानक अपराध है।
इसे प्राण दंड दो। सैनिकों, देखते क्या हो, ले जाओ इसे। महाराज, दूत को मारा नहीं जा सकता, कोई और दंड दीजिए। विभीषण, तुम तो इसका पक्ष लोगे ही, राम का दूत है ना, रावण दूत को भी मार सकता है। परंतु महाराज, रावण जैसे महान पंडित राजनीति को कैसे भुला सकते हैं? राजनीति? बंदर को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है, इसे भी अपनी पूंछ का बड़ा घमंड है। मिटा दो इसका घमंड, आग लगा दो इसकी पूंछ को। Thank you.
आशीर्वाद और संदेश दीजिए माता। मैं रावण की ओर से श्री राम को सेना समेत आने का निमंत्रण देने जाता हूँ। विजयी हो, तुम्हें देखकर आँख बंद ही थी। लो ये चिन्ह, अपने साथ लेते जाओ, इसे उन्हें दे देना। जो आज्ञा। हाँ, एक बात और है, प्रभु से कहना, एक महीने में मुझे यहाँ से न ले गए तो फिर मुझे न पाएंगे। जाओ पवन कुमार। जय श्री राम। हनुमान जी आ गए। आ गए हनुमान, क्या समाचार लाए हो? लंका जल रही है, माता सीता ने राम के पास संदेशा और चिन्ह भेजा है, जल्दी चलो। हनुमान जी आ गए। माता सीता ने आंखों में जल भरकर ये चूड़ामणि दिया और कहा है, यदि एक मास के अंदर अंदर प्रभु के दर्शन न हुए तो फिर मुझे जीता न पाएंगे। एक मास, पंख होते तो उड़कर पहुंच जाता तुम्हारे पास। सीते, न जाने क्या बीत रही होगी तुम्हारे मन पर। राज रानी बनने योग्य थी तुम, पर मेरा दुर्भाग्य तुम्हें जंगलों में खींच लाया। जिन कोमल चरणों को फूलों की सेज पर कष्ट होता था, उन्हें वन में मैंने कांटों और कंकरों पर फिराया। पल भर का बिछोड़ना सह सकने वाली सती को परवश बनाकर अपमानित करने वाले राम, तोड़कर फेंक दो ये धनुष बाण, उतार दो ये क्षत्रियों का वेश, अपनी स्त्री की रक्षा न कर सकने वाले कायर, जीवन का अंत ही क्यों नहीं कर देते? भैया, देर करने का समय नहीं है। महाराजा सुग्रीव, सेना को कूद की आज्ञा दीजिए, रणभेरी बजा दी जाए। आज से सबका लक्ष्य होगा लंका। लंका, लंका, लंका। राम सिया राम भजलो, राम राम सिया राम भजलो, राम राम सिया राम। राम नाम है प्यारा, सबका वही एक रखवारा, भैया भजो राम का नाम। भजलो राम राम सिया राम, भजलो राम राम सिया राम, भजलो राम राम सिया राम। राम नाम की महिमा न्यारी, राम नाम की महिमा न्यारी, दूर करे माया अंधियारी, माया अंधियारी, दूर करे माया अंधियारी, दूर करे माया अंधियारी। पत्थर भी उतराते जल में सुन के सीताराम,
पत्थर भी उतराते जल में सुन के सीताराम बजलो राम राम सिया राम बजलो राम राम सिया राम बजलो राम राम सिया राम 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 है प्यारा सब प्यारी ने जगमारा सिया बजो राम का नाम बजलो राम राम सिया राम बजलो राम राम सिया राम ने नाम यही अपनाया यही नाम ऋषियों ने गाया शिव ने नाम यही अपनाया यही नाम ऋषियों ने गाया वाल्मीकि तर गए राम का उल्टा जप के नाम वाल्मीकि तर गए राम का उल्टा जप के नाम बजलो राम राम सिया राम बजलो राम नाम है प्यारा सबका बलि एक जपमारा सैया बजो राम का नाम बजलो राम राम सिया राम बजलो राम राम सिया राम भवसागर की भीषण धारा भव सागर की भीषण धारा राम नाम ही थे वनहारा थे वनहारा राम नाम ही थे वनहारा राम नाम ही थे वनहारा करो पार भव सिंह भाव दे भज के सीताराम करो पार भव सिंह भाव दे भज के सीताराम बजलो राम राम सिया राम 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 बजलो राम राम भैया भैया श्री राम वानर सेना के साथ समुद्र पार करके लंका आ पहुंचे मुझे तो बुरी शंकाएं होती हैं चराचर के स्वामी त्रिलोकीनाथ श्री राम से समझौता कर लो भैया समझौता कर लो अब भी समय है इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा स्वयं भगवान तुम्हारे द्वार पर आए हैं माता जानकी को आगे करके उनसे क्षमा मांग लो भगवान दयालु हैं वो तुम्हें क्षमा कर देंगे विभीषण मेरा अन्न खाते हो मेरे सामने बैरी की प्रशंसा करते लज्जा नहीं आती जदूर हो मेरी आंखों के सामने से भैया समय निकल जाने पर पछताओगे माता जानकी भैया जा चला जा अपने भगवान के पास मुझे प्रसन्नता है बंदरों की सेना मेरी राक्षस प्रजा का भोजन श्री शंकर भोले की कृपा जय भोले नष्ट की देवी देवी क्या है त्रिजटा भगवान राम आ गए मेरे प्रभु कहाँ है वो उत्तर की ओर समुद्र के किनारे वानर सेना का पड़ाव है सच स्वामी भगवान भगवान रावण के भाई विभीषण आपकी शरण आए हैं प्रभु रावण की मति मारी गई है भाई होकर भी उसने मुझे लात मारी जगत माता जानकी को कष्ट दिए ऐसा जान पड़ता है पुलस्त ऋषि के वंश का अंत होने वाला है नहीं विभीषण जब तक तुम जैसा चरित्रवान नीतिमान पुरुष इस संसार में जीवित है तब तक पुलस्त मुनि का नाम अमर रहेगा तुम्हारे कारण रावण के पापों का बोझ बहुत कुछ हल्का हो चुका है हे
देखिए महाराज, दूर पर दक्षिण दिशा की ओर काली घटा छाई हुई है। बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, यह असमय वर्षा के चिन्ह क्यों? नहीं प्रभु, यह असमय मृत्यु का तांडव है। काल की रंगरलियां हैं, वर्षा का मेघ नहीं, रावण की नृत्यशाला है। मिला है कि आपके छोटे भाई विभीषण शत्रु से जा मिले हैं। नीच, और कर भी क्या सकता था, बंधु द्रोही। और महाराज, राम की सेना से एक बंदर आया है, आपसे मिलना चाहता है। बंदर? राजसभा में ले जाओ उसे, मैं आता हूं। लक्ष कुलभूषण लंकाधिपति रावण महाराज की। बंदर, बाली पुत्र अंगद को नहीं पहचानते? मेरे ही पिता ने तुम्हें 12 वर्ष तक अपनी कांख में दबा रखा था, भूल गए? लंकेश, मुझे श्री रामचंद्र की आज्ञा है कि तुमसे कह दूं, माता सीता को आदर सहित वापिस कर दो, नहीं तो लंका का सर्वनाश हो जाएगा, ये निश्चय जान लो। लंका से इतनी प्रीत तुम्हारे राम को कैसे हो गई? लंका का बल तुम्हें उस बंदर ने नहीं सुनाया, जिसका अंग भंग करके हमने तुम्हारे स्वामी के पास भेज दिया था? हनुमान ने सारी लंका जला डाली, फिर भी चेत नहीं हुआ। लंकेश, लोग ठीक कहते हैं, मूरख हृदय न चेत, जोगुर मिले ही बिरंच सम। लंका जली? आज मैं तप कर तो हमारी सोने की लंका और चमकने लगी, स्वच्छ हो गई। तुम्हारे जैसा निर्लज्ज राजा मैंने नहीं देखा। चुप रहो, रावण के एक ही बाण से तेरा राम अपने बंदर और भालुओं समेत समुद्र की गोद में विलीन हो जाएगा। मूर्ख, श्री रामचंद्र के बल की तुलना करता है? यह ले, लंका का कोई भी योद्धा अगर इस पैर को यहां से हटा दे तो श्री रामचंद्र वापस लौट जाएंगे और मैं माता जानकी को हार जाऊंगा। को बलधारिया हितारे जो पछारे मोहि, आज ते न लेऊ बंद वीरता को नाऊ मैं। जानकी शपथ, जानकी की शपथ, मात जानकी शपथ, जानकी से हार जाऊं मैं। मूर्ख, बल दिखाता है, पांव पकड़कर मरे मेंढक की तरह बाहर फेंक दो इसे। Thank you.
पता है या पहाड़ मेरे पैर पड़ने से उद्धार न होगा रावण, भगवान श्री राम के चरण पकड़ मोक्ष मिल जाएगा। जानता हूं तेरे राम को, बन बन भटकने वाला एक भिखारी। ये क्या भगवान, लंका का राज मुकुट? विभीषण, लंका का राज अपने आप तुम्हारे पैरों पर आ पड़ा। लो। नहीं भगवान, शायद अब भी रावण जीत जाए और माता जानकी को आपके चरणों पर रखकर क्षमा मांग ले। महापंडित रावण ही लंका का राजा बनने योग है, मैं नहीं। मैं तो आपका दास हूं। धन्य हो विभीषण, ये तुम्हारा ही काम है कि इतने बड़े राज्य का लोभ त्याग सकते हो। रावण बोल, मित्रता चाहता है या युद्ध? मेघनाथ, युद्ध की तैयारी करो। जय श्री राम। बोलो लंकेश्वर जी। जय श्री राम। लंकेश्वर जी। जय श्री राम। लंकेश्वर जी। सारे विश्व का वैभव निछावर कर दूंगा वैद्यराज, क्या कोई उपाय नहीं है? इन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया गया है। शक्ति लगी है। तो कहिए ना उपाय। कर सकोगे?
बड़ा कठिन है। केवल संजीवनी बूटी से ही इनके प्राण बच सकते हैं। मैं लिए आता हूँ। द्रोणागिरी नामक शिखर पर जाना होगा। जा सकोगे? और सूर्योदय के पहले न लौटे तो इनके प्राण स्वयं धन्वंतरी भी नहीं बचा सकेंगे। श्री राम की कृपा और आशीर्वाद से सब हो जाएगा वैद्यराज, आप निश्चिंत रहें। आज्ञा प्रभु। जाओ मित्र, लक्ष्मण का जीवन तुम ही बचा सकते हो, पर संजीवनी को पहचानोगे कैसे? रात में चमकने वाली वही एक बूटी है जिसमें बिजली सी चमक रहे, उसे ही लाना। जो आज्ञा वैद्यराज। पांच दिन और मुंह फिरा लो, फिर तो मेरी होकर रहना ही पड़ेगा। ये मान भी मुझे अच्छा लगता है। हाँ, एक शुभ समाचार और सुन लो। चिरंजीव मेघनाथ के हाथों लक्ष्मण आज यमलोक पहुंच गए और कल राम की बारी है। ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। ले जाता हूं वैद्यराज, अपने आप ढूंढ लेंगे संजीवनी। मैं तुम्हारे बिना अयोध्या क्या मुंह लेकर जाऊंगा? माता सुमित्रा पूछेंगी कि कहाँ है मेरा लाल, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? अयोध्या निवासी कहेंगे कि राम ने स्त्री के कारण लक्ष्मण का भाई बलि चढ़ा दिया। बोलो बोलो, तब मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? महाराज, हनुमान जी संजीवनी लेकर आते होंगे। आधी रात जा चुकी है, अब क्या होगा? हनुमान, तुम्हारा पराक्रम देखकर आंख बंद चली थी, अब अरुणिमा हुआ ही चाहती। सूर्योदय के बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। हनुमान, को कहा था और तुम सारा पहाड़ उठा कर लिया। मैं तो मामूली बंदर हूँ वैद्यराज, जड़ी बूटी क्या पहचानूं? अब तो सारा पहाड़ आपके सामने है, स्वयं ही पहचान लीजिए। हनुमान, प्रभु,
भैया। महाराजा धीराज लंकेश की जय। गुप्तचरों से पता लगा है कि लक्ष्मण फिर से जी उठा। मायावी, ब्रह्मास्त्र की शक्ति का भी असर नहीं हुआ? आप चिंता न करें पिताजी, उन दोनों भाइयों के सर पर काल मंडला रहा है। मैं काल यज्ञ करने जाता हूं, उसके बाद विजय। जाओ पुत्र, भगवान शंकर की कृपा से तुम्हारा यज्ञ सफल हो। ग्रह है मेघनाथ। मेघनाथ अपवित्र यज्ञ करने के लिए गया हुआ है, इसी से रावण ने कुंभकर्ण को युद्ध करने के लिए भेजा है। आज मेघनाथ नहीं बच सकता। हनुमान, तुम लक्ष्मण को साथ लेकर इंद्रजीत का यज्ञ विध्वंस करने के लिए जाओ, मैं कुंभकर्ण से युद्ध करता हूँ। जो आज्ञा। अनर्थ हो गया महाराज,
कुंभकर्ण और मेघनाथ भी मारे गए। क्या कहा? कुंभकर्ण और मेघनाथ भी मारे गए? राम, तुमने उन दोनों को नहीं मारा, मेरी दो शक्तिशाली भुजाएं काट डाली। माता जानकी को श्री राम के चरणों में सौंप दो, श्री राम तुम्हारे सब पाप क्षमा कर देंगे। मूर्ख, ये युद्ध भूमि है, तीर कायर दिखाते हैं, कहाँ है तेरा राम? ओ राम, मैं तुझे ही खोज रहा था। मेघनाथ, कुंभकर्ण और दूसरे योद्धाओं का तुझसे बदला लेना है। रावण, तुम्हारे कुल और पंडिताई पर विचार करते हुए तुम्हें एक अवसर और देता हूँ, हो सकता है कि रक्तपात चल जाए। राम, मेरी वीरता का बखान सुना था, पर ये न जाना था कि सूर्यवंशी युद्ध भूमि में तीर के स्थान पर तर्क से काम लेते हैं। अच्छा, तो फिर तीरों का ही तर्क सही। चलाओ तीर, आगे बढ़ो योद्धाओं। जाएंगे उतने ही नए पैदा होते जाएंगे, इसकी नाभि में तीर मारने से ही ये मरेगा। विभीषण, अंत में भाई नहीं भाई के प्राण लिए। अधिक समय नहीं है लक्ष्मण, रावण से जाकर उपदेश लो। राजनीति या युद्ध शास्त्र में रावण से अच्छा शिक्षक नहीं मिलेगा। जो आज्ञा। हे
श्री रामचंद्र जी ने मुझे आपके पास भेजा है। लक्ष्मण, राजनीति सीखने आया हो? देखो, सफल राजा को शाम दाम दंड भेद इन चारों में चतुर होना चाहिए। राजा का मंत्री बुद्धिमान होना चाहिए। स्त्री से राजकार्य में मंत्रणा नहीं लेनी चाहिए। शत्रु अग्नि को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। वैद्य, पंडित, रसोईया, इनसे कभी शत्रुता नहीं करनी चाहिए। राज्य की शक्ति संघ पर निर्भर है। फूट से घर का नाश हो जाता है। बुरा व्यवहार करने से मित्र सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। घर का भेदी लंका ढाई, ये न भूलना। राम राम। यदि मैंने स्वप्न में भी पर पुरुष का ध्यान किया हो तो यह अग्नि मुझे जलाकर भस्म कर दे। राम प्रभु, प्रभु, प्रभु। सति शिरोमणि जानकी जय जय सीता मात। अग्नि स्वयं शीतल बने छू कर पावन गात। धन्य है सती सीता, आपने अग्नि परीक्षा देकर भारतवर्ष की नारी का मुख उज्जवल कर दिया। आपकी माया अनोखी है राम प्रभु। जगन माता की परीक्षा ली, मुझे साक्षी बनाया। जिस सती को अग्नि भी नहीं छू सकती उस पर किसी दूसरे पुरुष के स्पर्श का लांछन क्यों? आगे बढ़िए श्री राम, देवी जान की निष्कलंक इन्हें ग्रहण कीजिए। यावर रामचंद्र की जय। आर्यपुत्र, कैसी नीति है आपकी? सुग्रीव, अंगद और विभीषण, इन सबों को राज्य सुख और वैभव दिया, परंतु जिसने सब कुछ देकर आपकी सेवा में प्राणों की बाजी लगा दी, अलौकिक पराक्रम दिखाए, उसे आप भूल ही गए, उसे कुछ भी न दिया। देवी, तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो, दे दो जो कुछ दे सको अपने भक्त को। हनुमान बोलो, क्या लोगे? माता, मुझे तो केवल राम चाहिए। राम? राम चाहिए? अरे तुम तो आर्यपुत्र को मांग रहे हो, ये तो मेरे बस की बात नहीं। पर हाँ, ये लो, तुम्हारी सेवाओं का मूल्य नहीं है, प्रीति उपहार समझ कर ले लो। लो, घोल कर पी गए हो, ये क्या कर रहे हो?
हनुमान जी राजसभा में खड़े हो, ये ना भूलो राजा की मर्यादा रखनी होती है। भरे दरबार में सम्राज्ञी का अपमान कर रहे हो। स्वामी की कृपा हो तो लोगों को मुंह तो नहीं चढ़ना चाहिए। चक्रवर्ती महाराज श्री रामचंद्र की अर्धांगी का अपमान हो रहा है, अपराधी को दंड दीजिए। शान हनुमान यहाँ आओ। ये तुम क्या कर रहे हो? क्या ये देवी जानकी का अपमान नहीं है? क्या ये गर्व नहीं कि श्री रामचंद्र की कृपा का अनुचित लाभ उठा रहे हो? लोगों के मना करने पर भी मनमानी कर रहे हो? तुम सारी राज्यसभा के सामने अपराधी हो। बोलो क्या कहना है तुम्हें? मुनिराज वशिष्ठ, सोचा था दूसरे न समझेंगे परंतु आप भी न समझ सके। प्रभु के भक्तों का मेला लगा हुआ है, भक्ति का स्रोत उमड़ रहा है, परंतु मुझे तो ये सब केवल बाहरी आडंबर मालूम होता है। राजदंड, छत्र, चवर और राजसभा की मर्यादा का ध्यान सबको रहा। जगत माता जानकी के अपमान की शंका लोगों के मन में हुई, मुझ पर कितने आरोप लगाए गए, परंतु आप लोग ये क्यों भूल गए कि मैं एक मामूली वानर हूं। सोचा था प्रीत उपहार के रूप में फल मिलेंगे, पर मिले केवल पत्थर। सोचा पत्थर ही सही, पर राम तो बसे होंगे इसमें। एक एक मनके में ढूंढा पर किसी में भी राम नहीं दिखाई दिए। माता, बालक जब मचल जाता है तो मुंह मांगी चीज पाता है। मैंने तो राम मांगा था, आपने दिए आभूषण। देखता हूं कि इसके किस कन में राम है। बिना राम का पत्थर लेकर क्या करूंगा? आभूषणों में राम कैसे होंगे? होना चाहिए। सारा संसार, जल थल आकाश, सब राममय है। अच्छा, क्या तुम भी राममय हो? हाँ माता, श्री राम प्रभु दास हूं। आसरा न छीन लेना मेरे राम। जय रघुनंदन जय सियाराम जानकी वल्लभ सीताराम। जय रघुनंदन जय सियाराम जानकी वल्लभ सीताराम। दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, भक्तों के रखवारे राम, जग के पालनहारे राम। दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, भक्तों के रखवारे राम, जग के पालनहारे राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। 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 रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन।